एक ही आधार पे 10 अलग अलग बच्चों में एक ही आधार लगा दिया गया। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि एक ही दस बच्चे, हम लोग यहाँ पे हम लोग देखा कि रीजन लिखा है कि सस्पेक्टेड रीजन हैविंग मोर देन वन चिल्ड्रन, तो हमने इसको तीन से ऊपर वालों को रोका कि इसमें से में कोई 10 मिले और भी ज्यादा मिले हैं कि जिनमें बच्चों के नाम अलग अलग हैं लेकिन अभिभावक का नाम और आधार एक ही लगाया गया। जैसे ये देखेंगे इनमें करीब 25 से ऊपर बच्चों में एक आधार आ गया, रीजन भी अलग अलग हैं। फिर जब हमने यहाँ से मॉनिटरिंग करी और उन्होंने इसकी कॉल करवाई टीचरों को, तो कई टीचरों का कहना और अध्यापकों का कहना हुआ कि इनके लोकल गार्जियन नहीं थे या जो नहीं मिले, तो हमने एक ही में सबका आधार लगा दिया। तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आपको लोकल गार्जियन में उस बच्चे का आधार, माता पिता का आधार नहीं है, खाता नहीं है, तो लोकल गार्जियन में आपको उसमें उनके ग्रैंडफादर, दादा दादी का भी ऑप्शन दिया गया है। और उसके बाद अगर वो भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो लोकल गार्जियन में आप उनके परिवार से ही चाचा चाची या कोई और किसी भी एक सदस्य का आधार लगा सकते हैं। लेकिन ये गलती है आप लोगों को कि 30 बच्चे 40 बच्चों में एक ही व्यक्ति का आधार लगा दें। आपकी मंशा हो सकता है ठीक हो कि आपने एक ही व्यक्ति का आधार लगा दिया और आप उससे लेके बच्चों को एड्रेस करा देंगे, लेकिन ये तरीका नहीं सही है। आपको उनके लोकल गार्जियन से ही आधार लीजिए जो उनके परिवार का हो, एक उसमें कोई भी एक व्यक्ति का अपना आधार और खाता नंबर दे सकता है। इस तरीके की पूरी एक सीट आप लोगों को मैं देखिए दिखा रहा हूं, इसमें कई तरीके के सस्पेक्टेड के रीजन है और इसको आपको ठीक किस प्रकार करना है। आपका जो ऐप था इसमें आप लोगों ने आधार का काम किया, उसको आप जब ओपन करेंगे आपको पहले उसमें ऑप्शन डीबीटी डेट गार्जियन कॉन्टेक्ट डिटेल वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट स्टूडेंट रिपोर्ट एंड सस्पेक्टेड स्टूडेंट रिपोर्ट। डीबीटी में आप लोग जो कार्य करते थे वही कार्य दोबारा से करना है आपको। जो बच्चे छूटे रह गए हैं उनको प्रमाणित करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने एक दिया है अपडेट गार्जियन डिटेल, अपडेट गार्जियन डिटेल। अपडेट गार्जियन डिटेल में हमने एक ऑप्शन इसमें दिया था आप लोगों को कि जिस गार्जियन मोबाइल नंबर 1 गार्जियन मोबाइल नंबर 2, जैसे आप देखेंगे इस कॉल कनेक्टेड नॉट आंसर, हमने इनको कॉल की यहां से तो इनसे हमारी बात नहीं हो पाई, तो आपको इनका दूसरा नंबर या इनसे कंफर्म करके आप नंबर भी इनका अपडेट कर सकते हैं गार्जियन का, जिससे कि उनको कोई सूचना दी जाए या यहां से अगर उनसे बात की जाए तो उनसे बात हो सके। तीसरा जो ऑप्शन सर ने बताया सस्पेक्टेड स्टूडेंट, जिसमें हमको भी काम करना है। ठीक है, सस्पेक्टेड स्टूडेंट पे आएंगे तो हमने आपको ऊपर दो ऑप्शन दिए हैं। आप गार्जियन नेम के से भी सर्च कर सकते हैं किसी बच्चे का आपको गार्जियन का नाम पता है, या आप उसका यूआईडी एक यूनिक नंबर है जो हमने जनरेट किया है, उसके माध्यम से भी आप इसको
ठीक है भाई। तो आप इस तरीके से जब ऐप को खोलेंगे तो आपको इसमें तीन ऑप्शन पहले दिखते थे, एक ऑप्शन और बढ़ा दिया गया सस्पेक्टेड स्टूडेंट। जैसे पूर्व की बात ही रहे थे वैसे ही याद करना है, अगर पेंडिंग स्टूडेंट कोई बचा है तो वहां से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अपडेट गार्जियन डिटेल वाले कांटेक्ट में जाके किसी भी गार्जियन का आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर या उनका मोबाइल नंबर, इनकमिंग कॉल्स बंद हो जाती हैं, बहुत बंद हो गई हैं, तो उनका नंबर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा एक जो ऑप्शन अभी सर ने बताया कि जिस पे आप लोगों को कार्य करना है वो है सस्पेक्टेड स्टूडेंट। सस्पेक्टेड स्टूडेंट पे आप जब बटन पे क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो आपको इंफॉर्मेशन उन बच्चों की दिखेगी जो कि स्टेट से सस्पेक्टेड मार्क किए गए हैं आपके स्कूल के, या जो बच्चा आपके स्कूल में भी पढ़ रहा था और किसी और स्कूल में भी उसका नाम लिखा दिया गया तो वो भी सस्पेक्टेड मार्क हुए हैं, या एक ही बच्चे का नाम दो बार आपके स्कूल में लिखा था और आपने पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया वो भी सस्पेक्टेड है, या सेम गार्जियन के बच्चे अलग अलग सेम क्लास में अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस तरीके के सस्पेक्टेड की लिस्ट आपके इसमें प्रदर्शित होगी। टोटल आप देखेंगे 12, यानी कि 12 बच्चे और उनके साथ ग्रुप बच्चे में कि उनके जैसे 12 बच्चे यूनिक हैं जो आपके सस्पेक्टेड स्कूल में पाए गए। जैसे आप पहला देखेंगे, आप इसकी मार्किंग के लिए हमने दे दिया है कि आप स्टूडेंट का नाम देख सकते हैं, उसकी लास्ट आधार की 4 डिजिट गार्जियन की, फिर गार्जियन का एक यूनिक नंबर है, गार्जियन का नाम है और स्टूडेंट सिबलिंग उसके कितने भाई बहन है जो आपने भरा। जरूरी नहीं है कि ये उसके तीनों भाई बहन हुई, लेकिन हमने उसको आधार के से मैप किया है कि आपके एक ही आधार आपने अगर 5 बच्चों पे लगा दिया, वो अलग अलग परिवार के हैं, तो भी सिस्टम उसको उनका भाई बहन ही मानेगा और एक ही परिवार के मानेगा, तो हमने उसको मार्किंग की है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपको ये देखिए यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल के लास्ट 4 डिजिट आधार की, गार्जियन की UID, स्टूडेंट का नाम, बर्थ, गार्जियन SR नंबर, सस्पेक्टेड रीजन सस्पेक्टेड बाय DUB <1 year। तो इनके दोनों बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 1 साल से कम का अंतर है। देखिए पहले में 14/2/2015, फिर 24/12/2015, इन दोनों में साल के अंतर है, तो सिस्टम ने इसको सस्पेक्टेड पकड़ा। फिर इसी तरीके से किसी और पे देखते हैं तो उनमें देखिए रीजन तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है ड्रॉप आउट, एक एक्सेप्ट, एक एक्शन। अगर आपको ये बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है और सारी डिटेल इसमें है, सब कुछ आपके और ये जिनका आधार आपने लगाया है
जिनके गार्जियन का नाम और आधार जो लगाया ये है, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप यस कर देंगे तो ये सिस्टम में एक्सेप्ट हो जाएगा और ये आपके बटन गायब हो जाएंगे। आपको लगता है नहीं ये बच्चा विद्यालय में था अभी चला गया है, तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ड्रॉप आउट रीजन जो आपके पहले आता था वही रीजन सेलेक्ट करते हुए आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, तो ये सिस्टम बाहर चला जाएगा। तीसरा है करेक्शन। अगर आपको लगता है कि इसमें हमें करेक्शन करना, गलती से दूसरे व्यक्ति का आधार लगा दिया था, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछा करेक्शन के लिए, इसकी पुरानी डिटेल पूरी आपको एडिटेबल मोड में दिखने लगेगी, जिसमें आप पुनः इसका उनके लोकल गार्जियन या उनके परिवार के किसी सदस्य आधार उसको फिर से पुनः वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि इसमें अगर आपको तीन, आप देख रहे होंगे कि ऊपर दो या तीन दिख रहे हैं, जब तक इसमें आप पूरे दोनों बच्चों पे कार्य नहीं कर लेंगे तब तक ये लिस्ट से आपके पेंडिंग में ही प्रदर्शित होगा। कार्य कर लेंगे और इस लिस्ट से बाहर निकल आएंगे तब ये आपका पेंडिंग से हटेगा, वरना ये आपको पेंडिंग ही प्रदर्शित करता रहेगा। क्योंकि इसमें देखिए रीजन भी दिए हुए हैं कि आपका किस वजह से ये बच्चा सस्पेक्टेड पाया गया, या स्टेटस क्या है, लास्ट स्टेटस उसका देखेंगे आप नीचे वाले बच्चे का, रिवर्ट बाय बीओ टू टीचर। आपने इसको बीओ से रिवर्ट कराया, लेकिन हमने जब इसका दूसरे बच्चे को पकड़ा तो ये पहला देखिए आपका आ रहा आधार नॉट सीटेड, लेकिन इन दोनों में 1 साल के गैप भी नहीं है बच्चों में। तो किसी के मैक्सिमम बच्चों में नॉर्मली देखा जाएगा कि 1 साल का गैप तो रहेगा ही दोनों बच्चों में, तो इस तरीके के कई कारण से सस्पेक्टेड लिस्ट मिल रही है, जिसको कि आपको अपने स्कूल में ही कंप्लीट करना है। कुछ में एक बच्चे का पेमेंट हो चुका होगा आप देख रहे होंगे, और 3 बच्चों का पेमेंट नहीं हुआ होगा। तो अब जिन बच्चे का पेमेंट हो चुका है उसमें आपको कोई कार्य करने के लिए बटन नहीं डिस्प्ले होगा, और उन 3 बच्चों में बटन को आपको अपने विद्यालय में ही उपस्थित होते हुए इन बच्चों पे कार्य करके आपको इनको वेरीफाई करना है, जिससे कि इन इन बच्चों के भी इनके बच्चों के गार्जियन के खाते में धनराशि भेजी जा सके। हो सकता है जब आपने बच्चे की एंट्री करी हो तब ये बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ रहा हो, लेकिन अभी किसी कारण से ये बच्चा नहीं आ रहा हो, या तो इसको आप जो ड्रॉप आउट का ऑप्शन दिया है ये अभी तक पोर्टल पे था, तो आप लोग तो दीदी के इस बच्चे को कैसे ड्रॉप, तो आप अपने ऐप के माध्यम से भी इस बच्चे को ड्रॉप आउट कर सकते।
इस कार्य को जितना भी जल्दी आप लोग, आपके हर एक स्कूल में ऑन एवरेज 5, 6, 10 ही बच्चे ऐसे सस्पेक्टेड हैं जिन पे कि आप लोगों को कार्य करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि तीन ऑप्शन हम लोगों ने दिए हैं, पहला ड्रॉप आउट है, एक्सेप्टेड है, करेक्शन है। ड्रॉप आउट जो बच्चा आपके विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, आपने उसको गलती से वेरीफाई कर दिया है, आपने किसी और बच्चे का आधार लगा दिया है, किसी और गार्जियन का आधार लगा दिया, या बहुत से हमने देखे कि अध्यापकों ने शिक्षा मित्र का आधार लगवा दिया, तो वो आधार आप लोगों को नहीं लगाना है। आप क्या, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो आपको उनके लोकल गार्जियन का आधार लगाना है, नहीं पढ़ रहा है तो आपको उसको ड्रॉप आउट मार्क करना है। ठीक, जैसे आप इस बच्चे को देखेंगे, बीएसए ने वेरीफाई कर दिया था, आपने भी, उन्होंने भी वेरीफाई कर दिया, बीएसए ने भी वेरीफाई कर दिया, लेकिन जब सिस्टम इसको पेमेंट भेजने की, तो आप देखेंगे पहला बच्चे का नाम है खुश, इनकी डेट ऑफ बर्थ, और दूसरे बच्चे में डेट ऑफ बर्थ, दो बच्चे हैं, दोनों की बच्चों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो हो सकता है ये बच्चे सही हो और जुड़वा हो, तो इनको आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर हो सकता है जुड़वा हो और लग भी रहे हैं, की है, लेकिन सिस्टम नहीं जान पाता, तो आपको सिर्फ इनको एक्सेप्ट करना है। आप इनको एक्सेप्ट कर देंगे, ये सिस्टम में खंड शिक्षा अधिकारी के पास चले जाएंगे। आप इन दोनों बच्चों को एक्सेप्ट करना है, खंड शिक्षा अधिकारी के पास चले जाएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी भी इनको मार्क कर देगा और ये पेमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे, इनको हम धनराशि भेज सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे, हो सकता, लेकिन इनमें आधार किसी और व्यक्ति का लगा दिया हो, जैसे कि किसी अध्यापक ने अपना लगा दिया हो, या अपने फैमिली मेंबर का लगा दिया हो, या किसी भी व्यक्ति का लगा दिया हो जो इनसे संबंध नहीं रखता हो, इनके परिवार का, तो आप करेक्शन के बटन पे जाके इनको सही कर सकते हैं। तीसरा काम, जो इस काम को करना किसको है, बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई, इस काम को करना किसको है। इस काम को करने की प्राथमिकता जो दी गई है, वो हमने प्रथम प्राथमिकता दी है विद्यालय के प्रधानाचार्य, हेडमास्टर्स को। अगर जिस विद्यालय में हेडमास्टर नहीं है उनको हमने प्राथमिकता दी है असिस्टेंट टीचर, जिस विद्यालय में असिस्टेंट नहीं होंगे, हो सकता है कोई शिक्षा मित्र या अनुदेशक चला रहे हो, तो उनकी जिम्मेदारी है इन बच्चों को सस्पेक्टेड से सही करने की। अगर है आपके विद्यालय में तो आपको एक्सेप्ट करना है, किसी गार्जियन का आधार गलत लगा दिया है तो आपको उसको करेक्शन करना है, अगर बच्चा नहीं है तो आपको ड्रॉप आउट करना है। ये तीन काम करने हैं। अभी हमने इसको अपने आप शेड्यूल कर दिया है कि हेडमास्टर लॉगिन करेंगे, हेडमास्टर पे दिखेगा, अगर हेडमास्टर नहीं है असिस्टेंट टीचर लॉगिन करेंगे, असिस्टेंट टीचर को दिखेगा, टीचर भी नहीं है तो शिक्षा मित्र अनुदेशक को ये दिखेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं असिस्टेंट टीचर हूँ, आपने गलत, हम हो सकता है हमारे, हमने जो मार्किंग करी है और शेड्यूल, वो अपने सिस्टम के जो नाम आपने दर्ज कराया, जो अपने पद दर्ज कराया उसके अकॉर्डिंग हमने किया है, आपको लगता है ये गलत है, नहीं हमारे यहाँ हेडमास्टर तो दूसरे, तो तब आप इस केस में आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से अपने आप का चेंज करा सकते हैं। वहां पे उनको सारे नाम दिखेंगे उस विद्यालय के, तो वो जिस भी खंड शिक्षा अधिकारी जिसको भी उसको अलॉट कर देंगे, वो ऑप्शन सस्पेक्टेड का ऑप्शन उन टीचर पे दिखने लगेगा। जैसे आपको लगता है नहीं हेडमास्टर हमारे यहाँ है, लेकिन वो मोबाइल ऐप नहीं चला पाते हैं या बहुत
हो सकता है उनको मोबाइल ऐप नहीं हो उनके पास, तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से अपने नीचे असिस्टेंट टीचर या किसी को अलॉट करा सकते हैं, ये तो सस्पेक्टेड का ऑप्शन उनके पे प्रदर्शित होने लगेगा। जैसे जैसे ये आप करते जाएंगे कार्य, इस पे आपने पहले वाले पे कार्य करेंगे तो ये आपका नीचे शिफ्ट होता जाएगा। आप इनके तीन बच्चे हैं, तीनों पे आपने अगर इस पे कार्य कर दिया तो ये आपका नीचे आता, जिस पे पेंडिंग वर्क होगा वो आपका टॉप पे दिखेगा हमेशा। से दो बच्चे हैं, दोनों पे अगर मैं इस पे भी कार्य कर दूंगा तो ये दोनों नीचे चले जाएंगे और ऊपर हमेशा पेंडिंग वाला ही आपको प्रदर्शित होगा। और इसमें अगर आपको कोई कठिनाई या कुछ आती है तो आप अपने ब्लॉक में जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इस ऐप को इस सेशन के बाद अभी हम लाइव कर देंगे तो आपको ये शाम को 3 बजे तक आपके खोलेंगे तो आपको अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोगों को कार्ड अपडेट करने के उपरांत ही करना है, लेकिन इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पूरे विद्यालय में सिर्फ हेडमास्टर, अगर जहां पे हेडमास्टर नहीं है वहां पे असिस्टेंट टीचर, जहां असिस्टेंट टीचर नहीं है वहां पे अनुदेशक और शिक्षा मित्र पे ही ऑप्शन प्रदर्शित होगा। तो इसमें कुछ ऐसा ना हो कि आप लोग, 4 लोगों ने काम किया था विद्यालय में तो जब चारों लोग ओपन करें तो ये ना हो कि सर हमारे नहीं दिख रहा है और हमारे बगल वाले अध्यापक हैं उन पे दिख रहा है। तो ये सिर्फ हेडमास्टर और या असिस्टेंट टीचर पे ही प्रदर्शित होगा। सर पहली प्रायोरिटी प्राथमिकता अध्यापक को है, जहां पे प्रधानाध्यापक को, प्रधानाध्यापक नहीं है वहां पे अध्यापक को है, जहां पे अध्यापक भी नहीं है शिक्षा मित्र और अनुदेशक को प्रदर्शित होगा। इसका एक यूजर मैनुअल और वीडियो ये आप लोग को बीओ ग्रुप में और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा पूरा, कि इस पे आप लोग को कार्य कैसे करना है। कार्य करने के बता हुआ फिर से आपको पुनः बता दे रहा हूं, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप सस्पेक्टेड वाले बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी बच्चे दिख रहे हैं ये सब सस्पेक्टेड हैं किसी ना किसी रीजन से। इसमें कुछ ऐसे भी आपको दिखेंगे कि उनके 4 महीने का पेमेंट हो चुका होगा, 3 रुके होंगे, तो हो सकता है वो जेन्युइन भी हो और उनकी सारी डिटेल भी सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है नाम, डेट ऑफ बर्थ या हमने गार्जियन मोर देन 3 से ऊपर को रोका था तो ये बच्चे भी इसमें प्रदर्शित हो रहे होंगे। तो इनको आप अपने माध्यम से सिर्फ बहुत आसान है, सिर्फ आपको एक्सेप्ट कर देना है, कर देना है। बच्चे अपने आप समझ जाएगा कि आपने इसको चेक कर लिया है और ये आपके विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं। 1 ईयर है, 1 साल कम तर है, तो हो सकता है वो सही भी हो और हो सकता है नहीं सही हो। तो आप एक बच्चे को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूसरे को करेक्शन करके आप सही कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें दो ऑप्शन और थे जिनमें अभी हम लोग देख रहे हैं। दूसरा, आप लोगों के विद्यालय में जब हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से तो वहां से जब पीएफएमएस से रिजल्ट आया तो बच्चों में राजन में उनके आधार से लिंक नहीं था, तो आप देखेंगे तो विद्यालय में काफी कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है।
89 के ही बच्चों में भुगतान हो पाया। बात आप लोगों ने दोबारा में 30 बच्चे अनसीडेड आए, अनसीडेड पे आप जब जाएंगे आपको 30 बच्चों की लिस्ट प्रदर्शित होगी, जिसमें आपको एक बच्चा आपने यहाँ पे माल किया है, इनका अनसीडेड करा दिया है, पांच बच्चे अभी भी यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि उनके गार्जियन से बात करके कि आप अपने खाते को आधार से लिंक करा लें और कुछ उसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन कर लें, 100 रुपये 50 रुपये या तो डाल दें या डाल के ट्रांजेक्शन कर लें, जिससे वो अकाउंट एक्टिव हो जाए। और इसमें आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें चेक कर देना है, हाँ कर देना है, जिससे कि इनको हम ये भी काफी ज्यादा संख्या है हर विद्यालय में, इसको भी करना है। तीसरा ऑप्शन है विपल भुगतान, सीडेट तो आया और उसके बाद जब हमने पेमेंट इनके खाते में ट्रांसफर की तो वहां से कई रीजन आए कि खाता ऑपरेट नहीं था या खाते में लिमिट कंप्लीट हो चुकी थी, कि जैसे कुछ खाते जनधन के थे और उनमें जब अमाउंट डाला गया तो वो काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए, उसकी लिमिट कंप्लीट हो गई। उसमें भी आपको इसी तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा, क्या आपने बैंक खाते से आधार को सीट करा लिया है या आपने उसको कंप्लीट कर लिया, तो आपको उसमें भी बैंक से बात करते हुए उनको बैंक में जाके आधार से लिंक करा लेना है और ट्रांजेक्शन एक्टिव कर लेना, जिससे कि उनको इस बार में हम अभी पुनः तुरंत दूसरा बैच बनाते हुए धनराशि ट्रांसफर करें तो वो जा सके। तो ये भी संख्या काफी ज्यादा है, आपको इसमें तीन पे काम करना है। पहला है जहां पे अभिभावकों का डाटा वेरीफाई करना है, दो बच्चे रह गए हैं उस पे काम करना है, जो बच्चे रह गए हैं या कुछ में अप्रमाणित हो गए थे तो हमने उनको 6 अटेम्प्ट और दिए थे कि आप 6 अटेम्प्ट करके उनका और एक बार देख सकते हैं तो बच्चे प्रमाणित रह गए हैं। दूसरा बीओ द्वारा भेजे गए बच्चे, जैसे आपने किसी गलती से उसको प्रमाणित कर दिया था और बीओ पे ट्रांसफर कर दिया था, फिर आपने देखा कि ये गलती से बच्चा चला गया है तो आपने बीओ पे कॉल करके खंड शिक्षा अधिकारी को कॉल करके या वहां पे जाके आपने इसको रिवर्ट करा लिया, तो उसको आप पुनः करेक्शन करते हुए वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा आपका काम जो है अनसीडेड बैंक खाते जो आए हैं उनको आपको गार्जियन से बात करते हुए सीड कराना है और उसको मार्क निशान का लगाते हुए ले जाए, सीट करा दिया, बात करते हुए कि इनको सीट करा लिया, इससे आएंगे कि ये सीट आप इसको मार्क कर देने से बहुत सा कंफ्यूजन आता, कॉल आती है कि हमने सब मार्क तो कर दिया लेकिन अभी भी ये अनसीडेड में ही यहीं पे दिख रहा है, तो आपके मार्क करने से सिस्टम उसको सीट नहीं मानता है, सिस्टम ये डेटा ले जाके पीएफएमएस पे पुनः चढ़ाएगा, पुनः अपलोड करेगा, बैंक चेक करते हुए हमको उसका रिजल्ट देगा कि खाता सीड हो गया है, तो ये यहाँ से लिस्ट चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और आपके अगर उसकी धनराशि हमने ट्रांसफर कर देंगे सक्सेस तो आपके धनराशि ट्रांसफर लगेगा, इससे आपके लिस्ट में ये प्रदर्शित होने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट होने लगी, खाते में पैसा चला गया है। अब इसमें देखिए अभी कुछ और भी चीजें आई जो हम लोगों ने खाता भेजा कि पेमेंट
लोगों का कहना था कि सर जो है खाता दिया उसमें ना जाके दूसरे खाते में चली गई। तो हम आपको बताना चाहते हैं जो भी धनराशि ट्रांसफर हुई है वो जो आपने खाता नंबर दिया था उससे उसका कोई लेना देना नहीं। जो आपने आधार लगाया, आपका आधार जिस खाते से जुड़ा था और एक्टिव था, पेमेंट उस बैंक में गया है जिसका नीचे यहाँ पे आपको विवरण भी प्रदर्शित हो रहा है, पेमेंट सक्सेस, उसकी ट्रांजेक्शन आईडी, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम। तो अगर कोई ऐसी शिकायत करता है कि नहीं मेरा किसी और खाते में चला गया है, जो बैंक रही है उस बैंक में अपना आधार लेके वो चले जाए और यहाँ पे चेक करा सकते हैं कि सर इस ट्रांजेक्शन आईडी पे इस खाते में पैसा आया है, तो वो आपको बता देंगे कि हाँ आपके पैसा यहाँ पे आया है।